हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाले है ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, एंड एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आएगा वो भी पहले से लिख के रख लिया हुआ है। एंड जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक भी हमने कर लिया है। तो अब सबको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना सोल्यूशन बना लिया है जिसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और देन बैलेंस शीट। एंड कुछ आइटम्स है जो मैंने पहले से लिख लिया है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड बैड डेट्स का ये फॉर्म है। तो सब को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आने वाला है टीडी में। बट टीडी में ऑलरेडी मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बस उसका मुझे अमाउंट लिखना है। तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे 32,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेस, और परचेस आने वाला है टीडी में, अमाउंट है 40,000। परचेज भी ऑलरेडी मैंने अपने सॉल्यूशन में लिख के रखा हुआ है, तो बस मुझे उसका अमाउंट लिखना है। तो परचेज का अमाउंट लिख लेते हैं 40,000, इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उसमें से रिटर्न्स माइनस करना है। परचेज के बाद फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आने वाला है एसेट में, अमाउंट है 1 लाख, एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। तो सन्ड्री डेटर्स को एसेट में लिख लेते हैं एंड इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में क्योंकि उसको टिक है, एंड एक टिक है तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स के बाद है फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट में ही आएगा, इसका अमाउंट 8,500 एंड इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिख लेते हैं एंड अमाउंट आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल का आउटर कॉलम में 8,500। बिल्स रिसीवेबल के बाद है फिर वेजेस, वेजेस आएगा टीडी में, अमाउंट है इसका 3,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना होगा। तो टीडी में लिख लेते हैं टू वेजेस, अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में और एक टिक किया हुआ था तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। वेजेस के बाद है फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरा एसेट में, अमाउंट है 32,000, तो इन्वेस्टमेंट एसेट में लिख लेते हैं और उसको कोई टिक नहीं है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो इन्वेस्टमेंट एसेट में लिख लेते हैं और अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 32,000। इन्वेस्टमेंट के बाद है फिर पोस्टेज, पोस्टेज आएगा पीडी में, इसका अमाउंट है 2,700 एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो टू पोस्टेज लिख लेते हैं पीडी में, अमाउंट लिख लेंगे आउटर कॉलम में क्योंकि टिक नहीं किया हुआ है, 2,700। पोस्टेज के बाद है फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी पीडी में आने वाला है, अमाउंट है 7,500 एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। तो इंश्योरेंस हम लोग लिख लेते हैं पीडी में एंड अमाउंट आ जाएगा इसका इनर कॉलम में 7,500 एंड इसको एक टिक किया था इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। इंश्योरेंस के बाद है फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में आएगा, अमाउंट है 15,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट में लिख लेते हैं एंड इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में 15,000 एंड एक टिक किया था तो एक लाइन छोड़ देंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फिर सैलरीज, सैलरीज आ जाएगा पीडी में, अमाउंट है 4,850 एंड सैलरीज को भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। तो सैलरीज लिख लेते हैं पीडी में एंड इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में 4,850 एंड इसको टिक किया है तो एक लाइन छोड़ देंगे। सैलरीज के बाद है फिर प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आएगा एसेट में, अमाउंट है इसका 2,000 तो प्रीपेड रेंट एसेट में लिख लेते हैं। टिक नहीं किया था तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,000। प्रीपेड रेंट के बाद है फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है पीडी में तो बस इसको अमाउंट लिखना होगा 500। तो बैड डेट्स के यहाँ पे उसका अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैड डेट्स लिखा हुआ है, बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट ही लिखा हुआ है तो इसका अमाउंट लिख देंगे 500। बैड डेट्स के बाद है फिर फर्नीचर, फर्नीचर आएगा एसेट में, अमाउंट है 12,500 एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे इनर कॉलम में।
तो फर्नीचर को एसेट में लिख लेते हैं एंड अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में 12,500। एक टिक था तो एक लाइन छोड़ देंगे। देन फर्नीचर के बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी एसेट में आएगा तो कैश इन हैंड को एसेट में लिख लेते हैं एंड इसको टिक नहीं किया था तो अमाउंट इसका आ जाएगा आउटर कॉलम में। कैश इन हैंड के बाद है फिर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होने वाला है। ये ऑलरेडी मैंने सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है सेल्स में से माइनस करने के लिए, तो बस उसका मुझे अमाउंट लिखना है। तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं 1,500 एंड अभी तक मैंने सेल्स लिखा नहीं है तो इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, तो ये बाद में जब ये सेल्स लिखेंगे तो माइनस करके फिर आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे। रिटर्न्स के बाद है फिर कैपिटल। कैपिटल आएगा लायबिलिटी में। क्रांति का कैपिटल है 1,20,000 और सुमंगला का कैपिटल है 40,000, तो इसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं। पहले हेडिंग देंगे कैपिटल, फिर क्रांति का कैपिटल लिखेंगे विच इज़ 1,20,000 एंड इसके लिए चार लाइन छोड़ना है। इसके लिए चार लाइन छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4। कैपिटल के लिए हमेशा हमें चार लाइन छोड़ना होता है। फिर क्रांति का हो गया, अब सुमंगला का लिख लेंगे। तो सुमंगला का अमाउंट है 40,000 एंड इसके लिए भी चार लाइन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ये चार लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार लेना है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं सेल्स। सेल्स आ जाएगा टीसी में, अमाउंट है 60,000। तो सेल्स मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टीसी में तो इसका अमाउंट लिख देते हैं 60,000, इनर कॉलम में आएगा। फिर 60,000 में से 1,500 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 58,500। तो 58,500 आउटर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट है फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये दोनों लायबिलिटी में आने वाला है तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं। अमाउंट है 30,000 एंड 15,000 एंड दोनों को टिक नहीं किया हुआ है तो दोनों का अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 30,000 और बिल्स पेबल का 15,000, दोनों आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है फिर कमीशन। कमीशन आएगा पीसी में, अमाउंट 325, इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट भी हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो कमीशन लिख लेते हैं, बाय कमीशन 325 आउटर कॉलम में आ जाएगा। कमीशन के बाद है फिर परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा एंड इसका अमाउंट है 1,000, तो परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस कर लेते हैं। तो 40,000 में से 1,000 माइनस कर देना है, तो 40,000 में से अगर 1,000 माइनस होगा तो ये बचेगा 39,000। तो 39,000 को आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे पूरा पोस्टिंग मेरा हो चुका है, फिर करेंगे एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस 32,000। तो आप एक क्लोजिंग स्टॉक दिया और क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ है 28,000 एंड 32,000। तो हम लोग को जो कम वाला वैल्यू है वो लिखना है। तो यहाँ पे कम है 28,000, तो यहाँ पे 32,000 को इग्नोर करेंगे और सिर्फ 28,000 लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आता है टीसी में और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट में। तो इसका दोनों भी इफेक्ट पास कर देते हैं। पहले क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आ जाएगा टीसी में, तो चार पांच लाइन छोड़ के लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में। तो एसेट में दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 28,000। नेक्स्ट है फिर सेकेंड एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। इंश्योरेंस जो हम लोग ने पे किया है ये 30 जून तक का पे कर दिया है और हमारा जो साल ख़त्म हो रहा है वो मार्च में ख़त्म हो रहा है, बट मैंने पे किया है 30 जून तक का, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो अगर मार्च से काउंट करेंगे दैट मीन्स अप्रैल मई एंड जून, मतलब तीन महीने का इंश्योरेंस मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में। एंड इसका अमाउंट फाइंड कर लेते कितना होगा, क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं था। तो इंश्योरेंस का अमाउंट है यहाँ पे 7,500। तो 7,500 अगर 3 मंथ्स का निकालेंगे तो इंटू 3 / 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,875। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे है 1,875। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को पहले इंश्योरेंस में से माइनस कर लेते हैं और दूसरा इफेक्ट डाल देंगे इसका एसेट में। तो पहले प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से लेस कर लेते हैं
इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा 1875, तो बचेगा 5625। फिर प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट आने वाला है एसेट में, तो दूसरा इफेक्ट एसेट में डाल देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें वेजेस 800 और सैलरीज है 700। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है 800 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 700। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट एड टू वेजेस होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज का पहला इफेक्ट एड टू सैलरी होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी। तो दोनों का इफेक्ट पास कर लेते हैं। पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड कर लेंगे, तो अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड हो जाएगा तो 800 है, तो 3000 प्लस 800 हो जाएगा 3800। देन सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 700, तो 700 अगर ऐड हो जाएगा सैलरी में तो ये हो जाएगा 5550। फिर दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट लायबिलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में लिख लेते हैं। पहले हेडिंग देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर उसके नीचे आ जाएगा वेजेस विच वॉज 800 एंड सैलरीज 700, तो टोटल इसका हो जाएगा 1500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू ₹13,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू था वो रिड्यूस हो गया 13,000 तक। यहाँ पे 13,000 से कम नहीं हुआ है, 13,000 तक कम हो गया, एक टू मतलब होता है तक। अगर बाय लिखा होता तो उसका मतलब होता उतने से कम हो गया, लेकिन टू लिखा है मतलब उतने तक कम हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 13,000 तक कम हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी का पहले वैल्यू कितना था, 15,000 था, अब 13,000 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 2,000 से कम हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन ही है, तो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है। तो इसका पहला इफेक्ट तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी होगा और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। तो पहले पहला इफेक्ट पास कर लेते हैं, पहले प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे 2000, तो ये बचेगा 13,000। फिर दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा पीडी में, तो पीडी में लिख लेते हैं दूसरा इफेक्ट। तो दूसरा इफेक्ट आ गया इसका पीडी में। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। तो अगेन डेप्रिशिएशन ही है, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इस बार, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर होगा पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में, और कितना माइनस होने वाला है 5%। तो 5% माइनस कर देते हैं फर्नीचर में से, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा, तो 5% आता है 12,500 का 625। तो 625 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,875। फिर डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, दूसरा इफेक्ट भी पास कर लेते हैं पीडी में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 625। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800। 800 बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका पीडी में। तो पहला डेटर में से माइनस कर लेते हैं बैड डेब्ट्स को, तो 800 अगर माइनस हो जाएगा डेटर में से तो ये बचेगा 99,200। और ये जो बैड डेब्ट्स 800, इसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स के यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 800। तो इसका टोटलिंग भी कर लेंगे, तो बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट का टोटलिंग कर लेते हैं, तो 500 प्लस 800, फिर न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी तो नहीं है, तो टोटल हो जाएगा इसका 1300। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। 3000 का गुड्स मैंने ऐसे ही फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अगर फ्री में, तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, तो टीसी में आ जाएगा पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में। तो टीसी और पीडी में लिख लेते हैं, पहला इफेक्ट टीसी में आ जाएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000, और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में। बट पीडी में जब लिखेंगे तो पीडी में लिखना है टू एडवर्टीजमेंट 3000। एडवर्टीजमेंट इसलिए लिखना है क्योंकि फ्री में अगर गुड्स हम लोग ने बांटा है तो वो फ्री में क्यों बांटा होगा, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए ही बांटा होगा। तो इसलिए जब पीडी में लिखेंगे तो इसको एज अ एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो सारे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हो चुके हैं हम लोग के, पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, अब अकाउंट को क्लोज करना है। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। उसमें पहले ये देख लेते हैं कि सब आउटर कॉलम में आ गया है कि नहीं। तो सब कुछ आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया हुआ है, तब अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल आ रहा है 75,300। तो यहाँ पे बॉक्स के नीचे लिख लेंगे, अब पेंसिल से लिखना है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 89,500। तो अगेन ये बॉक्स के नीचे लिख लेंगे। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है यहाँ पे 89,500। तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख देना है। फिर देखना है डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस है या यहाँ पे डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है डेबिट में, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, मतलब 89,500 में से 75,300 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 14,200। तो इस 14,200 को बोलेंगे ग्रॉस। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उल्टा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट का टोटल आ रहा है 20,800। तो बॉक्स के नीचे लिख लेंगे 20,800। देन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,525। तो अगेन बॉक्स के नीचे लिख लेते हैं 14,525। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो दोनों में से बड़ा है 20,800। तो जो बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट में। तो नॉर्मली अभी तक जब समझो हम लोग करते तो उसमें डेबिट में डिफरेंस आता था, बट यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, बट अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेट लॉस। और जैसे प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिवाइड होता था उसी तरह से लॉस भी दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तो पहले लॉस देख लेते हैं कितना होता है। तो लॉस होगा 20,800 माइनस 14,525। तो ये मेरा आ जाएगा 6,275। फिर 6,275 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा ये हम क्वेश्चन में देख के पता करेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को या लॉस को डिवाइड करने बोला है। कैपिटल रेशियो मतलब फिर कैपिटल देखना पड़ेगा। तो क्रांति का कैपिटल है 1,20,000 एंड सुमंगला का कैपिटल है 40,000। तो यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। ये 6,275 को हम लोग को क्रांति और सुमंगला को डिवाइड करना है इन कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल है क्रांति का 1,20,000 एंड सुमंगला का कैपिटल है 40,000। तो इसमें से 3-3 0 कट कर देंगे। क्रांति का 3-0 कट हो जाएगा और सुमंगला का 3-0 कट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 और 40। फिर चाहिए तो इसको और भी कम कर सकते हैं, 41 एंड 43। तो रेशियो हो गया 3:1। तो ये हो गया 3 + 1 = 4। तो डिवाइड करेंगे 4 से, और क्रांति का 3 है तो मल्टीप्लाई करना है 3 से, सुमंगला का 1 है तो मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो क्रांति को मिलेगा 6,275 में से 6,275 × 3, क्योंकि इसका शेयर था 3 और टोटल है 4। तो ये हो जाएगा 4,706। सुमंगला को मिलेगा 6,275 × 2, इसका शेयर था 1 तो × 1 और टोटल था 4। तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आएगा 1,579। तो ये लॉस दोनों में डिवाइड कर देते हैं, क्रांति और सुमंगला में डिवाइड हो जाएगा 4,706 एंड 1,569। फिर नेट लॉस को हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होता था तो उसको ऐड करते थे, बट अगर लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे। तो क्रांति का जो लॉस है वो क्रांति में से माइनस हो जाएगा, और सुमंगला का जो लॉस है वो सुमंगला के कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो इसको लेस कर लेते हैं, 1,20,000 माइनस 4,706 होगा तो बचेगा 1,15,294। एंड सुमंगला का देख लेते टोटल, 40,000 माइनस 1,569 तो ये आ जाएगा 38,431। फिर दोनों साइड का टोटलिंग कर लेंगे
तो लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 2,00,225 एंड एसेट का टोटल आ रहा है अगेन 2,00,225। मतलब दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। तो दोनों साइड लिख लेंगे 2,00,225, यहाँ पे भी 2,00,225। तो यहाँ पे मेरा सम खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।